तो अब्बू को अचानक से याद आया कि घर पे मूली भेजनी है, तो वो रेडिश वो मूली को भी खींचने लगे, खींचने लगे, पुल करना यानी खींचना, वो खींचने लगे मिट्टी के बाहर, वो मूली को खींचने लगे। अब्दुल वंडरेड वेदर दिस वेयर ऑल्सो रूट्स, वो भी अब्दुल भी ये वंडरेड सोचने लगा, वंडरेड यानी सोचने लगा कि इसका भी रूट्स होता है, ये भी उसके भी जड़ें होती है क्या। ओनली अ फ्यू रेडिश वेयर पुल वेयर वेन देयर वॉज सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइन एंड रेन, और थोड़ी बहुत उसने ज़मीन से मूली खींच ली तो सडनली वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइन तेज़ी से हवा आने लगी और बारिश होने लगी। बोथ ऑफ देम पिकअप द रेडिश एंड रन, वो बाद में वहाँ से फटाफट से वो सारी मूली रेडिश को पकड़ा और वहाँ से दौड़ने लगे। They had just reached home when a branches of a neem tree in courtyard broke and fell. वहाँ पे वो घर पे गए और घर पे जो courtyard आंगन में जो नीम का पेड़ था उसके ऊपर से एक टहनी, उसकी जो नीम की जो टहनी थी वो नीचे गिर पड़ी। In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inches. हमने सिर्फ थोड़ी ही इंचिस हम रह गए, वरना हम रह जाए, वरना हम उसके मतलब वो जो टहनी थी वो हमारे ऊपर गिर पड़ती। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग वाइन द ट्री रिमेन फ्रॉम ऑन द ग्राउंड, कि इतनी तेज़ी हवा से वो ब्रांचेस उसकी टहनी गिर पड़ी होगी। They both sat down to have tea with अम्मी, अम्मी के साथ वो दोनों साथ में बैठे अम्मी के साथ और चाय पी। अबू said to अब्दुल, अबू ने अब्दुल को बोला कि the plant were getting dry, वो प्लांट है वो सूखने लगे हैं और now that it has rained, अभी बारिश हो रही हुई है तो हमें ये पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, पानी प्लांट को पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, वी कैन नाउ सीट एंड प्ले लूडो, वो बैठे और लूडो खेलने लग गए। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे अब्दुल से ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड थी, जहाँ पे सड़क थी वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था तो वो नीचे गिर पड़ा ज़मीन से। ही रिमेम्बर द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड, उसे अपने आंगन में जो नीम ट्री था वो उसे याद आ गया। ही कुड सी सम ऑफ ब्रोकन रूट्स, इसकी भी जड़ें थोड़ी कड़ गई थी, अब्दुल थॉट, वो विचार कर रहा था। एंड देन अनयूजुअल रूट्स, हैव यू स्विंग फ्रॉम अ बनियन ट्री, क्या आपने देखा है कभी भी कि बनियन ट्री के ऊपर और नीचे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बनियन ट्री के ऊपर भी उसके जड़े होती है और नीचे भी, जमीन के नीचे भी होती है और यहाँ पे भी होती है, जैसा कि ये पत्ती आए पर ये उसकी रूट्स है, वो जब बनियन ट्री ओल्ड होता है तब यहाँ से रूट्स ग्रो होती है। तो व्हाट डिड यू हॉल्ड टू सेविंग, तो आपने कभी भी वहाँ पे झूला झूला है, व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री, जैसे हम ब्रांचेस को पकड़कर झूला झूल सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी रूट्स को पकड़कर हम झूला झूल सकते हैं। रीच ऑफ द ग्राउंड, दिस रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द ट्री, और जो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो पिलर्स, वो उसके स्तंभ है, उसके पिलर्स है, उसको जकड़ के रखता है, ट्री को जकड़ के रखता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाता है। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड, और बनियन ट्री है उसके भी रूट्स होते हैं जमीन के अंदर।
देर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। और अगर हम इतने बड़े पेड़ों को हम अगर काटते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है कि ये हम पेड़ों को नहीं काट सकते, क्योंकि पेड़ वो हमारे लिए कई काम में आते हैं। देर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू लैम्प पोस्ट, द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स। और ये जो बनियान ट्री होते हैं उसके ऊपर मतलब कि कई सारे पेड़, ये एक बनियान ट्री नहीं, कितने सारे पेड्स होते हैं उस फुल ऑफ लीव्स, कितने सारे पत्ते से भरे होते हैं। दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक, और हमें अगर काटना है तो हमें अगर ब्रांचेस भी काटनी है तो हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे बनियान ट्री है, उसकी जड़ें यहाँ पे लटक रही है और उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर भी होगी ऐसे ऐसे, जो ट्री को जकड़ कर रखती है। Do you know desert oak is a tree that is found in Australia? Australia में हम desert oak देखने को मिलते हैं। It grows almost as tall as your classroom wall. वो जो classroom की दीवार होती है उतने बड़े होते हैं। It was very few leaves. उसमें leaves भी बहुत कम होते हैं। Guesses how deep its roots go down, और उसकी roots उसकी जड़ें कितनी सारी होती है। वो जो tree होता है उसके जड़े उसकी जो जड़ें होती है वो कितनी सारी होती है, पर leaves थोड़े होते हैं। Imagine the length of about 30 such trees laid down in a line end to end, one after another. That is how long the roots of This tree can be. These roots go deep into the ground till they reach water. और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में पानी बहुत कम मिलता है तो वो लोग वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो इतना बड़ा ट्रीज होता है उसके अंदर उसके roots में से पानी निकालते हैं। दिस रूट्स गो दीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, वहाँ से वो पानी निकालते हैं। दिस वाटर इज स्टोरेज इन द ट्री टंक, और उसका जो ट्री टंक होता है उसमें वो पानी भरा हुआ होता है और उसमें से वो पानी निकालते हैं। लोकल पीपल न्यू अबाउट, वो सब जानते हैं कि ये ट्री टंक है उसके अंदर कितना सारा पानी होगा। वेन देर वॉज नो वाटर इन द डेजर्ट, और डेजर्ट जो रण प्रदेश होते हैं उसके उसमें पानी बहुत कम मिलता है। द लोकल पीपल यूज टू पुट इन अ थिन पाइप, वहाँ के जो पीपल होते हैं वो वहाँ पे जो पीपल होते हैं वो थिन पाइप इतनी बड़ी पाइप रखते हैं इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री, और इतनी लंबी रखते हैं जो ट्री के ट्रंक में से पानी निकाल पाए। टू ड्रिंक दिस वाटर, और वो पानी वो सब लोग पीते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चैप्टर में ऐसे ही बताया गया कि ट्री है जो वो हमारे लिए कितना काम आता है, कि लीव्स उसके जो लीव्स होते हैं फ्रूट होते हैं फल होते हैं उसमें